हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। हम आज आपको बताएंगे सॉफ्टी आइसक्रीम के बारे में, सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन के बारे में हम आज को आपको जानकारी देंगे। वैसे तो हमने जो आपको जानकारी पहले दी है वो फ्लोर मॉडल की जानकारी दी है, जो मूवेबल मशीन रहता है, हाइट वाला मशीन रहता है, उसकी जानकारी दी है हमने आपको। अभी हम आपको जानकारी देंगे टेबल टॉप मॉडल की, जो कोई भी छोटी सी जगह, कोई भी छोटे से स्पेस पे आप उसको रख सकते हो, कोई भी मूवमेंट वाली जगह पे रख सकते हो, या इसको आप गाड़ी में इंस्टॉल करा सकते हो, टू व्हील फोर व्हील में इंस्टॉल करा सकते हो। इसमें जैसे मारुति ओमिनी है, टाटा है, ऐसे छोटा हाथी है, सोडा मशीन, सॉफ्टी मशीन, सब उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, हम आपको ये आज टेबल टॉप मशीन का डेमो देंगे। सेम मॉडल है, ऐसा नहीं सिंगल फ्लेवर है, 2+1, दो फ्लेवर जिसमें मिक्स फ्लेवर निकलेगा, टोटल 3 फ्लेवर की मशीन है। इसके माँ बाप को आपको पूरी जानकारी देंगे, पूरा डेमो देंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसका स्विच दिया गया है, ये मशीन का ऑन ऑफ का स्विच दिया है। सबसे पहले अपने मशीन को स्टार्ट करेंगे, इसलिए इसका डिस्प्ले स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब मशीन आएगी आपके वहां पे, ये सेम कंडीशन में आएगी मशीन, आपको इस टाइप का इसका जो रोलर है वो ओपन रहेगा, ये जो रोलर है वो पैकिंग में अलग से मिलेगा आपको। सबसे पहले हम इसका पहले कूलिंग टेस्ट कर लेते हैं एक बार, इसको ऐसे यही सिस्टम से एक बार चला के इसका कूलिंग जो होकर रहता है यहाँ पे, इसका कूलिंग लेके एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे कूल का बटन है वो दबाएंगे, जो कूल का बटन लिखा है इसको दबाएंगे, जिससे मशीन स्टार्ट हो जाएगी, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। ये मशीन स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे कूल का बटन है, आप देख सकते हो ये कूल का बटन हो गया स्टार्ट। यहाँ पे ये देखिए आप, कूल का बटन स्टार्ट होने से कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है इसका, मशीन का कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। धीरे धीरे यहाँ पे आइस बनना स्टार्ट हो जाएगा ये होपर के अंदर, ये दोनों आइस जहाँ पे मशीन का जिसके अंदर आइसक्रीम बनता है ये होपर है दोनों, ये भी ओपन है होपर इसका, यहाँ पे भी आइसक्रीम बनेगा आप देख सकते हो। पूरा धीरे धीरे इसका आइस जम रहा है, देखिए अभी चालू किया है और 5 सेकेंड के अंदर इसका कूलिंग स्टार्ट हो चुका है, विद इन 5 सेकेंड के अंदर, आप देखिए पूरा। अभी ये धीरे धीरे इसका व्हाइट पट्टी बन जाएगा, आइस का व्हाइट पट्टी जम जाएगा इसका, आप धीरे धीरे देखिएगा इसको। अभी ये तो पूरा होपर से ये पूरा आइस का आइस बन जाएगा इसके अंदर, जहां पे लिक्विड जाता है इसका, जो मिल्क पाउडर मटेरियल ऊपर से बाउल लगा के इसके अंदर जाता है और यहाँ पे इसका आइसक्रीम बनता है। तो ये अभी पूरा आइसक्रीम के लिए जमने के लिए रेडी होगा। हम इसको आउटर से टेस्ट कर रहे हैं, पहले इसको मटेरियल डाले बिना पहले कूलिंग चेक करते हैं, इसका कंप्रेसर सिस्टम चेक करते हैं। आप देख सकते हैं पूरा, ये देखो पूरा आइस जम रहा है धीरे धीरे इसमें, इसमें से आइस का स्नो का बाहर निकल रहा है स्नो, अब देखिए पूरा, ये देखिए पूरा व्हाइट आ गया है, जो आइस लेता है उस टाइप का व्हाइट आ गया पूरा ऊपर के अंदर। ये देखिए पूरा अंदर से पूरा धुआं निकल रहा है, आइस जम गया उसका पूरा धुआं निकल रहा है। तो हमने इसका आइस अभी टेस्ट कर लिया है, कूलिंग परफेक्ट है, ओके है, 100% सक्सेस है और कंप्लीट है। ठीक है, अभी हम इसका कूलिंग बंद कर देंगे और आपको मशीन को इंस्टॉल करने के लिए पूरा बताएंगे और वीडियो शॉर्ट बनाएंगे। ठीक है, ये कूलिंग का बटन अभी हमने बंद कर दिया, अभी आइस बनना बंद हो जाएगा इसके अंदर, जो आइस का जो बनने का है सिस्टम वो पूरा बंद हो गया है। ठीक है, अभी सबसे पहले इसका जो है ट्रे और थाली है, ये ट्रे थाली है जो नीचे ड्रेनेज बोलते हैं इसको, ये पूरा यहाँ पे लगता है, ऐसे ऐसे लग जाता है, इसके ऊपर एक प्लेट आ जाएगा इसका, जो आइसक्रीम यहाँ से डिफ्यूज होगा, कोई भी गिरेगा, बूंद बूंद गिरेगा तो नीचे खराब नहीं होगा, वो सब चीज इसके अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये इसका होपर है, जो रोलर है इसका, मीटर बोलते हैं इसको, जो आइसक्रीम को चर्नर में घुमाता है। ठीक है, इसके पीछे वाइसर है, ये वाइसर आप इंस्टॉल करते टाइम इसको डालना ना भूले, इसको जरूरी याद से डालें एक बार, जिसकी वजह से अंदर जो अगर ये नहीं डालेंगे तो मटेरियल आप जो डालेंगे वो सीधा नीचे कंप्रेसर सिस्टम में वहां पे गिरेगा वो। ठीक है, इसलिए इसको आप डालना ना भूले, और इसको आप
ये पोजीशन के अंदर इसको एंटर करें, एक कंप्लीटली एंटर हो चुका है, परफेक्ट। उसी हिसाब से आप दूसरे को इसको भी ऐसे इंस्टॉल करें। ये भी इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अभी हम इसका जो ऊपर का वॉल हेड रहता है, ये हेड है पूरा इसका, इसके पीछे दो ओरिंग्स रहते हैं, इसको एक बार जरूर चेक करिए कि पीछे ओरिंग है या नहीं है। इसको एक बार चेक करिए तो आपको मालूम होगा है या नहीं ओरिंग। इसको दोनों ओरिंग ये पोजीशन के अंदर होना चाहिए, इसको ये पोजीशन के अंदर आपको लगाना है। इसके बोल्ट दिए गए, एक दो तीन चार और एक पांच, ये बोल्ट को आपको ऐसे लगा देना है। सबसे पहले क्रॉस में लगाना है, एक यहाँ पे विद्युत सामने लगाना है, क्रॉसिंग में लगाना है इसको, इसलिए परफेक्टली बैठ जाएंगे इसमें। उस हिसाब से ये सामने लगा देना है आपको। नॉर्मल टाइट करना है आपको, ऐसा नहीं पूल हेवी करो, पकड़ से पकड़ के पूरा टाइट कर दो, ऐसा भी नहीं करना है। नॉर्मल एक टाइट सिस्टम करना है इसको। ये परफेक्ट फिटिंग होगी मशीन आपकी। ये एक वोल्ट है, वो स्पेयर में लेना आपको, स्पेयर की। बाकी क्या क्या सामान आता है आपको, इसका स्पेयर पार्ट का किट है इसका, आप देख सकते हो पूरा, जिसके अंदर दो ओरिंग है। इसका बड़ा ओरिंग जो हमने आपको पहले बताया वो भी स्पेयर में मिलता है, बड़ा ओरिंग है, ये छोटा है ओरिंग है जो यहाँ पे हेड पे लगता है, ठीक है। ये नीचे का मीटर है उसका है, आइसक्रीम मिक्सर का, ये सब स्पेयर किट है। इसके साथ मशीन के साथ आपको फ्री में मिलती है। इसका ऊपर का बाउल का ढक्कन है पूरा, इसको आइसक्रीम भरने के बाद दोनों बाउल में फिल करने के बाद इसको ढक देना है आपको। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया और सबसे बेटर कंपनी का पाउडर ये है, और हमारे जितने भी कस्टमर है वो इसको पसंद करते हैं, और हमारे से मशीन लेने के बाद भी ये फ्लेवर मंगाते हैं, ठीक है। एक किलो का पैकेट है, 1 kg पैकेट है, ये चॉकलेट का फ्लेवर है। 1 kg में आपको 4 liter मिल्क लगाना है और 1 kg पाउडर डालना है, उसको मिक्स करके एक बाउल में लगा देना है। दूसरा फ्लेवर वेनिला या स्ट्रॉबेरी है, बटर स्कॉच है, कोई भी यदि आप फ्लेवर चॉइस करके दूसरे बाउल में भी इसे लगा सकते हो। दोनों फ्लेवर लगा दिया आपने, यहाँ पे कूल का बटन दिया हुआ है, ये जो कूल का बटन दिया हुआ है आप इसको अच्छी तरह नॉलेज करिए एक बार। सबसे पहले तो आपको जो सेटिंग यहाँ पे सेट दिखाया हुआ है, ये सेट को आपको सबसे पहले सेटिंग करना है आपको, ये सेट को आप सेटिंग करना है। सबसे पहले 6 पे आपको इसको सेटिंग करना है, 4.5 या 4.6 पे सेट करना है इसको। ये हमने इसको 4.5 पे सेट करके रख दिया है, ये आपने सेटिंग किया, और यहाँ पे मशीन में जो हार्डनेस है वो बताएंगे, यहाँ पे मशीन का हार्डनेस क्या, आइसक्रीम का कितना हार्डनेस है, और यहाँ पे आपने जो सेट किया है वो हार्डनेस है, ठीक है। आप मशीन को कूल का बटन स्टार्ट करेंगे इसे चालू, इसलिए धीरे धीरे ये हार्डनेस इसका कम ज़्यादा हो के जब भी आपको ये 4.5 पे आएगा कंप्रेसर उसका कूलिंग प्लांट बंद हो जाएगा। अभी हमने इसको कूल का बटन लगा के कूलिंग करने के लिए स्टार्ट कर दिया है, ये देखो कूल का बटन लाइट हो गया है, स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, ये कूल का बटन स्टार्ट हो गया, और धीरे धीरे इसका हार्डनेस बढ़ता रहेगा। ये जैसे ही 4.0 है और 4.5 पे आ जाएगा इसका पूरा कंप्लीट सिस्टम बंद हो जाएगा, कूलिंग प्लांट हर एक सिस्टम बंद हो जाएगा, और आप आइसक्रीम निकालने के लिए रेडी, सर्व करने के लिए रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे पप का बटन दिया गया है, जिसकी वजह से जो आइसक्रीम में अपने मटेरियल लगाते हैं इसके अंदर एयर फिल करता है, ये पप का बटन है। दूसरा जो बटन रहता है यहाँ पे टाइमर सिस्टम है, आपको कितना टाइम के अंदर कंप्रेसर को स्टार्ट करना है वो टाइमिंग दिखा रहे हैं। यहाँ पे वोल्टेज है, कितना ऊपर आपसे आपको पावर कितना ऊपर से वोल्टेज कम ज़्यादा आ रहा है वो यहाँ से वोल्टेज दिखाएगा। ये यहाँ पे काउंटिंग सिस्टम है, कितना कौन आपको निकाला ये सब इसके अंदर दिखाएगा, 2 कौन, 20 कौन, 5 कौन, 6 कौन, 50 कौन, कितना भी आपने निकाला। रोज शाम को लेके आपने जो लड़का बिठाया उसमें आप काउंटर पे देख के
इसको आप डायरेक्टली जाके बिजनेस उसके पास से कलेक्शन ले सकते हैं। तो इसका हमने आपको हर एक फंक्शन इजीली बताया, इजीली सिस्टम आपको दिखाया हमने, ये पूरा सिस्टम टोटली सिस्टम, एक कूल का बटन है, पंप का बटन है, एक क्लीन का बटन है। अभी आपको जब सबसे पहले अभी मशीन को क्लीन करना है, साफ करना है, जब आप दुकान बंद करते हो वॉशिंग करना है इसको, तो सबसे पहले आपको एक कूल का बटन है इसको बंद कर देना है। कूल का बटन बंद करने के बाद एक क्लीन का बटन जो रहता है वो क्लीन का बटन दबाना है। क्लीन का बटन आपको कंटिन्यू 10 मिनट कंटिन्यू चलते रहना है, 10 मिनट तक चलाना है उसको, जिसकी वजह से अंदर जो चैम्बर में आइसक्रीम जमा हुआ है वो पूरा पिघल जाएगा। पिघलने के बाद जो भी बाउल है उसके अंदर रिफ्यूज करके फिर आपको उसको पानी को पानी से वॉश करके रख सकते हो, इसलिए आपका काम पूरा होगी। विद इन 10 मिनट के अंदर पूरी मशीन मोशन हो जाती है। और यहाँ पे इसका एक चाबी दिया गया है हमने, इसका की है, जिसको आपको अगर काउंटर को रिसेट लगाना है, आपको अगर 100 कॉप निकाले आपने पूरे दिन में, दूसरे दिन के लिए इसको रिसेट करना है, तो यहाँ पे इसका की लगाया हुआ है, यहाँ पे इसका ऑप्शन है, एक की लगाने से 0-0 हो गया। देखिए पूरा ये काउंटर पूरा 0-0 हो गया, हमने की मार दिया इसके अंदर, ये पूरा 0-0, पहले 6 था अभी 0 आ गया है काउंटिंग से। तो ये काउंटिंग सिस्टम भी इसका लॉक वाला सिस्टम है, ऐसा नहीं है कोई भी बटन दबा के इसको 0-0 कर दिया, 10 को बेचा 0-0 कर दिया, 10 बेचा 0-0 कर दिया, ऐसा भी नहीं। आपके हाथ में की रहेगा और ये की कोई बना भी नहीं पाएगा, पूरा सिक्योर की रहता है, आप देख सकते हो पूरा। तो हमने आपको आज इसकी पूरी जानकारी दी, पूरा डेमो दिया हमने आपको। ये हमारा 2+1 का मॉडल है, इम्बर्को कंपनी का कंप्रेसर है, जो मेड इन जर्मनी का कंप्रेसर रहता है, प्लस डिजिटल एयरफोन सिस्टम है, डिजिटल डिस्प्ले है, पूरा इसका डिस्प्ले डिजिटल सिस्टम है, ठीक है। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपको हमारी रोज नई नई प्रोडक्ट के लिए नोटिफिकेशन जानकारी मिलती रहेगी। हम हर एक चीज के लिए आपको, आप हमारे से मशीन ले या ना ले, लेकिन हमारी मशीन का ये वीडियो देख के आप पूरा गाइडेंस भी ले सकते हो, फ्लेवर कैसे बनाना है, कैसे मशीन ऑपरेट करनी है, मशीन में कोई फॉल्ट आता है तो कैसे सोल्व करना है उसको, तो हर एक जानकारी हमारे वीडियो से आप देख पाएंगे, जिसकी वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।